राम राम जी सभी को, मीठी मीठी प्यारी प्यारी। और मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सी टोकरी। ये मैंने फ्रेम बनवाए हैं सरिये से, इससे क्या कहते हैं, बेल्डर से। और इसको हम ऐसी टोकरी बनाएंगे, ये देखिए, कोई भी सामान रख लो इसमें। ओहो, ये वाली एक मैंने बना ली है, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि इसकी गांठें कैसी लगेंगी। लेकिन हम डिज़ाइन दूसरा बनाएंगे। ये इसका डिज़ाइन ये है, उसका डिज़ाइन दिखाना। एक हमने शुरू कर रखी है, इसका डिज़ाइन ये है। और बात करूँ इन रस्सियों की, तो ये मेरे पास पैरा की रस्सियाँ हैं, जो लेह लद्दाख में पहले राशन ड्रॉप करते थे पैरा से, उसकी रस्सियाँ हैं। तो ये मेरे पास थोड़ी सी रस्सी पड़ी है, तो मैं सोचती हूँ इसके यूज़ कर लूँ, क्योंकि ये बहुत मज़बूत रस्सी होती है, इसलिए ये मेरी टोकरी भी मज़बूत बन जाएगी। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं और हम सीखते हैं। एक हमारे ये हैं कॉन्स्टेबल सुरेंद्र, साउथ इंडिया के, तो इन्होंने रस्सियों का कोर्स कर रखा है, हर तरह की रस्सियों का कोर्स और गांठों का कोर्स कर रखा है, तो इनको सारी गांठें आती हैं। तो ये हमें सिखाएंगे कि हम इनको कैसे बनाएं। तो ये हम शुरुआत कर चुके हैं, और इसमें हमने कितने डाल दिए हैं, मतलब डबल करके, दो दो चार दो छः दो आठ, और शायद दो और आ जाएंगी मुझे लगता है। ये ऐसे हम लंबाई में छोड़ लेंगे ऐसे, क्योंकि जब बनेंगे तो इसमें रस्सी लगती है, तो उस हिसाब से नाप के हमने ये रस्सियाँ काट ली हैं। तो इस तरह से हम ऐसे रस्सियाँ लगा के बेस बनाएंगे। तो ये चार और चार आठ, नौ, नौ का बेस बनेगा, मतलब जिस पे हम डिज़ाइन डालेंगे। तो इस तरह से हम अभी रस्सियों का बेस बना लेते हैं। कुछ हमने पहले लगा ली थी, और इसमें होगा एक दो तीन चार पाँच, अभी हमारी छठी रस्सी लग रही है। और कितनी लग जाएंगी? 10 लगेंगे दस? दस से ज़्यादा वो तो नहीं हो जाएगा गहरा? अच्छा। और आज एक हमने ये भी DIY तैयार कर दिया था। ये मैं एक दिन गेहूं की बाली लाई थी, और ये मेरे को घड़ा मिला था कहीं इधर जंगल में, हमारे आसपास इधर जंगल है, ये जंगल पड़ा इधर चारों तरफ, तो यहाँ से मैं ये घड़ा ले आई थी तो और मोटरसाइकिल के लिए आएगा पेंट कर लिया। इसका कहीं गंदगी लगी हुई दिख है। इतना साफ सुथरा बन गया, इसको इसमें बताओ डिजाइन क्या बनाऊं मैं। अगर किसी के पास ऐसे घड़ा, किसी के पास और किसी ने डिजाइन बना रखा हो तो मुझे बताना। मोटर ये मैं के लिया डिजाइन और बताओ के लिए डिजाइन बताओ। एक दिन मैं खेत गई तो ये गेहूं की बाली ले आई थी, तो बाली मैंने इसमें लगा दी, और ये हमारा एक वो बन गया है, क्या कहते हैं उसको, DIY बना दिया, और एक सुंदर सा फ्लावर पॉट ये तैयार हो गया है। अब ये झड़ ना जाए, झड़ती तो नहीं है वैसे ये, मैं सोच रही थी कलर कर दूँ, लेकिन सब ने मना किया, नहीं ओरिजिनल रखो ओरिजिनल रखो। तो मैंने उसे एक टेबल के आज कलर किया था, ऊपर ऊपर, नीचे तो मुझे नहीं आता, ये ले में बनते हैं टेबल। तो मैंने 10-12 साल पहले ड्रैगन डिज़ाइन वाला टेबल बनवाया था, और ऊपर थोड़ी स्क्रैच वगैरह हो गए थे, तो ऊपर मैंने इसके लाल पेंट कर दिया, मेरे पास लाल पेंट पड़ा था। और अभी हमारी कितनी रस्सियाँ हो गई, और ये हमारी मोच मुँह देख रहा है जे टेढ़ा टेढ़ा। मैं ये डिज़ाइन सीखूंगी भी, इस भैया को आता है, इन्होंने रस्सियों का कोर्स कर रखा है। तो आज अभी ये मेरे को शुरू करके देंगे, और फिर मैं इसको पूरा मैं बनाऊंगी। इस तरह से बेस हमने तैयार कर लिया है, और अब हम बनाएंगे डिज़ाइन। ये क्यों बंदी जा रही है साइड में? ये पहला वाला डिजाइन ऐसे लोगे ना, हाँ पहला वाला डिजाइन यहाँ से लोगे ना, तो इस पे इस रस्सी पे आएगा, तो इस रस्सी खोल के यहाँ पे जोड़ देना, बाद में अच्छा, बाद में खुल खुल जाएगी। जाएगी फिर जोड़ देना इसको। अच्छा, पहले जोड़ेंगे कैसे? यहाँ का खोल के यहाँ पे गांठ लगा दिया, फिर अच्छा अच्छा जला दिया। अच्छा अब ये यहाँ पे यहाँ से बनेंगे ना, इससे हाँ पहले हमने वही दो दो अच्छा, पहला दो डिजाइन बन रहा है अभी। दो राउंड लेना इसको। रस्सियाँ ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी, उलझ पुलझ हो ये सब जाएंगे, मूवी ध्यान बोलने रखना एक ही पड़ेगा। करके लेना है ना। अच्छा, तो ऐसे हमने इसकी गांठें लगानी है, और डिज़ाइन बनाते चले जाना है। एक हमारा ब्लॉक हो जाता है,
तो दिखाते हैं कि गांठ लगा के हम कैसे डिजाइन बना सकते हैं। कितनी गांठ लगानी है ये? 6? ये दो दो करके ना पूरा यहाँ तक आ जाएगा ये पूरा। हाँ ये तो 10 अच्छा है। अच्छा इसी से करते हाँ चले इसी जाना पूरे है। दो दो अच्छा करके, अच्छा दो दो अच्छा करके ले आना पूरा यहाँ से। हम फिर वहाँ से फिर डिजाइन शुरू अच्छा करेंगे। दो इस धागे की, दो इस धागे की। अच्छा ठीक है, जो हमने वो बेस बनाया है उसके धागे ले लेके हम दो दो गांठ इनकी लगाते जाएंगे और सीधे करते चले जाएंगे ऐसे 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 आगे से आगे जो हमने दो दो करके लगाए हैं इसमें ऐसे ही डिजाइन डालेंगे। फिर अगले की हम अगले वाले धागे ले लेते हैं, ये वाले, इसको दो बार घुमा के नीचे से निकाल देंगे। बस ज़्यादा कोई मंत्र पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें, बस एक ही हो गया और एक ये हो गया। फिर अगले धागे से ऐसे ही दो अगले धागे से कर देंगे और धागे छोड़ते चले जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये एक लाइन पूरी कर ली है, बेस बना लिया है और अब हम डालेंगे मेन डिज़ाइन। तो अभी हम मेन डिज़ाइन डालना शुरू करते हैं। ये हो गया है इसका लास्ट, जैसे मैंने बताया भी दो दो बार इसको बस घुमाना है, ये एक बार गांठ सिंपल गांठ जैसे हम लगाते हैं और ये दूसरी गांठ। और इस रस्सी को कहाँ बांध देंगे फिर जो इसे बची यहाँ है? क्लोज करना है। अच्छा इसको इस तरह बांध देंगे, तो इसी पर ही पूरा डिज़ाइन चलेगा हमारा, इसी इसी रस्सी पर पूरा डिज़ाइन बन जाएगा जो हमने बनाना है। तो अभी हम रस्सियों का बंटवारा करेंगे, रस्सियों का बंटवारा करेंगे बंटवारा करना अब। है ना इसको, हाँ बंटवारा करना भले है इसको अपने। हाँ बांटेंगे ना, कितनी कितनी रस्सियाँ बांटेंगे? तीन तीन लोग हैं ना, तीन ये तीन। तीन, अच्छा अभी हम रस्सियों का ये बंटवारा कर तीन। रहे हैं डिज़ाइन के लिए भी। ये तीन तीन को हम छांट के अलग अलग कर लेंगे। और एक रस्सी का कितने पर डिज़ाइन आ जाता है, एक मतलब कितनी रस्सियों पर एक डिज़ाइन बन जाएगा? तो मैं आप बता दूंगा मतलब तीन तीन पर मैं अच्छा उसके पता बाद में नहीं, थोड़ी होगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम भी है हमें क्योंकि ये साउथ की हैं और हम हरियाणवी से ठहरे, तो कई चीज़ें मेरी इनको समझ में नहीं आती, कई इनकी मुझे समझ नहीं आती। ये एक शायद गड़बड़ रह गया है। ये भी जा रहा है ये रस्सी, अच्छा तो यही इसी को ही घुमा देगा? यहीं हो जाएगा इसमें और क्या हो गया। अच्छा बस ऐसे ही कर लेते हैं, अगर छूट भी जाए तो घबराना नहीं, पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, उसी को ही उल्ट पुल्ट करके और वो ठीक हो जाता उल्टी है। सीधी है वो। उल्ट पुल्ट ही बोलेंगे हम तो। अब देखो मैं अपने यहाँ से आप ले लिया, हाँ एक रस्सी ले ली, अब डिजाइन शुरू हो रहा है, देखिए ध्यान इसको से। यही है। हाँ अब एक ही रस्सी पर डिजाइन बढ़ेगा, ये टेढ़ा टेढ़ा चलता चला जाएगा, है ना? टेढ़ा टेढ़ा चलेगा ना? हाँ टेढ़ा। हाँ जैसे ऊँट टेढ़ा टेढ़ा चलता है ना ऐसे। अब क्या बनेगा ना इसे, गैप बन जाएगा। ये हो गया ये भी हमारा, एक शतरंज का खेल है बढ़ाना, भी ये भी दो बार हो इतना गया। आसान नहीं है ये। अब दूसरी दूसरी रस्सी लेंगे, दूसरी रस्सी की भी दो गांठें लगाएंगे, फिर तीसरी रस्सी लेंगे उसकी भी दो गांठें लगाएंगे। तीन तीन रस्सियों का बताया ना? तीन तीन रस्सी का, हाँ ये ले लिया, ये भी हो गया। ये तीसरी रस्सी ले ली, इसका भी हम दो गांठ लगाएंगे। ये हो गया एक तरफ का, कुछ गड़बड़ बना कर दिया दिया हमने, क्या? बना दिया हमने, हैं? बना दिया। हाँ बना दी। एक मिनट ऐसे बंद कर लो, ये दो रस्सी को बनाना पहले। अच्छा एक डिज़ाइन हमने बना लिया है, मतलब एक लड़ी हमने बना ली है, अब दूसरी लड़ी बनाने जा रहे हैं। एक रस्सी पहले स्पेयर छोड़नी पड़ती है, तो अभी इसमें ये दूसरी रस्सी की हम बना लेंगे इसके बराबर बराबर, तो ये डिज़ाइन बहुत सुंदर आता है। फिर ये आगे चार चार गांठे लगाते हैं ना, चार चार बार दो दो, दो दो तो लगाते हैं, कितनी तीन रस्सियों की दो दो लगाते हैं ना? तीन रस्सी के दो दो, हाँ दो और दो, बाकी दो तो रस्सी यहाँ छह से आ गांठे रही आ है। जाती हैं इसकी। ये इसकी भी दो लगाएंगे तो ये डिज़ाइन बराबर हो जाएगा। फिर हम अगला डिज़ाइन पलटेंगे। ये ठीक है, डिज़ाइन हमारा हो गया है कंप्लीट और इसको हमने साइड कर दिया है
और पहले इस तरफ से शुरू करेंगे। अच्छा, अब इस तरफ से ना शुरू कर लेते हैं। एक रस्सी हमने स्पेयर में छोड़ दी है और एक की हम वो ऐसे लड़ी सी बनाना शुरू करते हैं, जैसे वो बनाई थी ना हमने, ये बना ली है, ये वाली बनाई है, अब ये दूसरी बनाई है, तो इसी की पहले ये बनाएंगे फिर इसकी बनाएंगे जो एक रस्सी हमने स्पेयर छोड़ी है। तो इसकी उधर से एक धागा लेते जाएंगे, इसकी दो दो गांठ लगाते जाएंगे, ये ऐसे। तो इस तरह से, इस तरफ से भी हमने ये डबल ले ली है। अब आएगा बीच का डिजाइन। तो बीच का डिजाइन कितनी छोड़ के? वही तीन छोड़ के। बस ये दो छोड़, ये तीन से रस्सी बताया था, चार चार हाँ रस्सी का, हाँ हाँ इसको छोड़ दिया, इसी चार चार रस्सी का एक डिजाइन बना चार दिया। चार रस्सी का एक डिजाइन बनेगा। तो ये इसमें फिर वही दो दो गांठे हैं, इसकी एक गांठ हो गई और फिर इसकी ले लेंगे जो दो रस्सियां इस तरफ पड़ी हैं, ये इसकी दो, फिर उसकी दो, फिर इस तरफ से चार रस्सियां लेंगे उनकी फिर बनाएंगे। तो अभी जब ये पूरा हो जाएगा तब मैं दिखाती हूँ कि ये डिजाइन कैसा आएगा। फिर उसी को ही दोहराते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं और डिजाइन बनता चला जाता है। जोड़ देना है तो इस तरह से ये हमने ये बना लिए हैं चार, इनको बेसिक डिजाइन बन गया। और अब इनको आपस में जोड़ देना है। अब ये गांठ सीखने की ज़रूरत है भी कि ये जो जोड़ने के लिए गांठ लगती है वो कैसी गांठ लगेगी। ये इसके नीचे से निकाल लिया और ये खींच दिया, बस ये जुड़ गई, ये खींच दिया। और आगे फिर वही डिजाइन चलता चला जाएगा। अभी ध्यान से देखिए कि बीच में कितनी रस्सियां छोड़ दी, चारों चार। चारों बीच में रस्सियां छोड़ दी हैं ये, और दो आजू बाजू की रस्सियां लेके उनकी गांठ मार दी है। ये हो गया। और इसको ये इसके नीचे से लेके और ऐसे निकाल लेनी है और बस खींच देनी है। कोई इसमें हो, ये देखिए ये खींच दी। तो ऐसे हम अगली भी पूरी कर लेते हैं। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा। तो जैसे इस तरफ ये दो लड़ियां ऊपर बनी है, ऐसी ही दो लड़ियां नीचे हमने बनानी है। ये रस्सियां लेते जाएंगे इसको। ओ गांठ लग गए थे पहले, मैं तो फिर दूसरी हाँ रस्सी ले लिया। हाँ दो दो गांठ लग गए है और बा फिर यहाँ लड़ी लड़ी सी बन हाँ जाए। पहले बनाता भाई के बनाता हाँ लग गई। अब तीसरे की ले लेंगे, बिंगी बाप लग बिंगल जाएगी। इसको ऊपर कर ले रहे हैं। हाँ, ये बन गई ऐसे लड़ी सी। और अब इसका कौन से की लेंगे हम? ये इसको छोड़ दिया, फिर इसको हाँ लेना है। हाँ फिर इसको लेना है, इसको साथ साथ ऐसे बना लेनी है। तो अभी मैं बनाना शुरू करती हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि मैंने क्या बनाया। तो इस तरह से हमने ये डिज़ाइन इतना बना लिया है और ये गांठे हम ऐसे लगाते चले जाएंगे। ये हो गया है हमारा डिज़ाइन पूरा। और फिर हमने ये रस्सी लेनी है और इसको ऐसे लेके और ऐसे गांठ मार देनी है इसके नज़दीक नज़दीक, दो दो गांठे। इसको नहीं खींचना, बस इसको खींचना है हमने, ये। फिर दूसरी ले लो, बहुत आसान डिज़ाइन है। ये हो गई और ये हो गई दो। फिर इसको ले लो, इसको सीधा रखो और इनको नज़दीक नज़दीक लगाते जाओ। ये देखिए ये बन गया डिज़ाइन। अभी हम इसका यहाँ ये पोर्शन बनाएंगे अभी यहाँ करके, वो फिर आपको बाद में दिखाते हैं। इस तरह से हमने यहाँ से इसको शुरू किया था और बनाते बनाते ये हम लास्ट तक तकरीबन पहुँच गए हैं। ये बस ये इतना पोर्शन बचा है और ये इसका ऊपर का पोर्शन होगा और नीचे हम जिग जैग करके और इसके नीचे चाहे हम कपड़ा लगा देंगे, मोटा कपड़ा लगा देंगे, या कोई प्लाई भी लगा सकते हैं या गत्ता भी लगा के, और फिर हम इसकी सुंदर सी शेप देंगे
और ये एक इस तरफ से, इस तरह से टोकरी बन जाएगी, इसमें कोई भी हम सामान रख सकते हैं, बस ये बचा है। तो अभी हम फाइनल लुक देके और फिर आपको दिखाएंगे कि ये कितनी सुंदर और कैसे बनेगी। और ये मेरी चुटकी देख रही है, इसको बिठाऊंगी, इसमें मौसमी को इसमें बिठाऊंगी। ये हमारी बास्केट अब पूरी हो गई है और लास्ट फिनिशिंग चल रही है। जो रस्सियाँ बची थी उसको हमने काट दिया है, और नीचे जो रस्सी हमने लपेटी थी उसके इसको चिपका देंगे। ये रस्सी आराम से इसके चिपक जाती है लाइटर से, और निशान भी नहीं छोड़ती। लाइनों की रस्सी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आपको दिखाते हैं इसको सीधा करके, ये किस शेप में हमारी बास्केट बन गई है। मल्टीपर्पज़ बास्केट है, इसमें कुछ भी आप रख सकते हैं और आसानी से धोई जा सकती है। ये बन गई है। अभी हम नीचे का बेस बनाएंगे। बेस को हम सीधा ही रखेंगे क्योंकि उसके बाद हम उस पर कपड़ा लगाएंगे सुंदर सा। तो अभी हम नीचे का बस जिग जैग कर लेते हैं कि सामान कोई गिरे नहीं, और जो बची हुई रस्सियां हैं इसी से ही इसकी हम नीचे वो बना देंगे, जैसे कुर्सी बनाते हैं उस तरह से हम इसको कर देंगे। और फिर उसके बाद की कार्रवाई आपको दिखाते हैं कि अब हम इसे क्या करते हैं। अभी हम इसके चारों तरफ जो ये दिख रही है इसके यही वाली रस्सी ऐसे लपेट देंगे, जो बची रस्सी है, और इसको मजबूत कर देंगे। ये वैसे लोहे का फ्रेम है, कहीं नहीं जाता है, लेकिन इसको और सुंदर दिखने के लिए हम ये रस्सी इसके चारों तरफ ऐसे लपेट देंगे। तरह से ये हमने बास्केट कर ली है तैयार, और पकड़ने के लिए हमने लकड़ी के गुटके लगा दिए हैं साइड में, और ये कुछ बन के इस तरह से डिज़ाइन आया है। ये देखिए ये पूरी बन चुकी है, और नीचे ये जाली जाली सी आई है, तो इसमें से अगर हम कोई छोटी चीज़ डालेंगे तो वो गिर सकती है। इसके लिए मैंने ये एक प्लाई का टुकड़ा कटवाया था कारपेंटर से, और इसको मैं नीचे ऐसे कर दूंगी फिट। और इसके पैकिंग पेपर या कोई दूसरा हम पेपर या कपड़ा चिपका सकते हैं, तो हम इसमें फिर छोटी चीज़ें भी रख सकते हैं। इसमें हम बेबी का सामान रख सकते हैं, इसमें हम किचन का सामान रख सकते हैं, इसमें हम फ्रूट रख सकते हैं। मल्टीपर्पज़ बास्केट बन गई है, और इसके अगर चाहो तो यहाँ आप खूबसूरत सा कपड़ा भी आप लगा सकते हो। वैसे ज़रूरत नहीं है, बहुत मजबूत हमने कर दी है, लेकिन अगर कोई और फैंसी बनाना चाहता है तो इसके कपड़ा लग सकता है, और रस्सियों को कलर भी कर सकता है। रस्सियाँ कलर भी हो जाती हैं, जैसे फैब्रिक ये दुपट्टा वगैरह रंगता है, रंगते हैं, वो कलर इसमें हम थोड़ा थोड़ा डुबो के जैसे सूत का धागा रंगते हैं, ऐसे इसको रंग भी सकते हैं, तो इसे और फिर वो कलरफुल बन सकते हैं। लेकिन मुझे वाइट ही चाहिए थी, इसलिए मैंने वाइट ही तैयार करी है। ये देखिए अब इसमें से कुछ नहीं गिरेगा, ये प्लाई लग चुकी है, और इसके हमें बस एक काम बाकी रहा कि इसके मैं कोई भी सुंदर सा पेपर या कपड़ा चिपका लूँगी। वो फेविकोल से पेपर चिपकाना है, फेविकोल से चिपक जाएगा, और अगर पेपर चिपकाना है तो वो टेप से चिपक जाएगा। बस ये इतनी सी थी, लेकिन थोड़ी मेहनत तो बहुत है, और ये आना चाहिए आपको, ये गांठें आनी चाहिए। मुझे, मैंने भी किसी से सीखी तो मुझे आ गई, और फिर कोई मुश्किल नहीं है, एक दिन में ये एक टोकरी हम तैयार कर सकते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए।